झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दुमका में पुलिस ने नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त कर दिया और 50 से ज्यादा डेटोनेटर बरामद किए। नक्सलियों की बैठक की खबर मिलने पर पुलिस ने दुमका के बस्किया पहाड़ पर दबिश दी थी, लेकिन नक्सलियों को भनक लग गई और पहले ही भाग निकले। सर्च ऑपरेशन जारी है। और एक पॉलीथीन में जो है 48 एमल्सन नियोजेल मिला है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक आदमी को जिंदा जलाने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि पेशे से बावर्ची सुखी साव को सुरेंद्र साव नाम के एक आदमी ने केरोसिन डालकर जला दिया। सुखी साव उससे अपने बकाया 1,500 रुपए मांगने गया था। जलते व्यक्ति को कुछ लोगों ने कंबल डालकर बचाया और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक सुखी साव करीब 55% जल चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अहमदनगर के कुकाना गांव में पुलिस ने सचिन होटल पर छापा मार कर करीब 3.25 लाख की नकली शराब जब्त की। मौके से नामी ब्रांड की खाली बोतलें और उनके लेबल मिले। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 3 साथी फरार हैं। नागपुर में चोरों ने एक पुलिस वाले के घर ही हाथ साफ कर दिया। पुलिस कर्मी हेमंत राउत परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। चोरों ने उनके घर से कीमती सामान, नकदी और जेवरात समेत 1 लाख का माल तो समेटा ही, जाते जाते खूंटी पर टंगी उनकी पुलिस की वर्दी भी उठा ले गए। शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट से वक्त मांगा है। अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी। सेशंस कोर्ट पीटर की अर्जी 2 बार खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट को दी अर्जी में पीटर ने दावा किया है कि शीना मर्डर में उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पानीपत के दौरे में कई बड़ी घोषणाएं की। जनसभा में सीएम ने कहा कि पानीपत को वो 12 योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिनकी लागत 100 करोड़ के करीब है। सीएम ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में 19,000 करोड़ रुपए लगाने का ऐलान किया। हर क्षेत्र के खाते में 200 करोड़ रुपए आएंगे। रिटेंशन पॉलिसी को लेकर हिमाचल सरकार की मुश्किल और बढ़ गई है। शिमला नगर निगम ने रिटेंशन पॉलिसी को वापस लेने का प्रस्ताव पास करके भेज दिया है। बीजेपी का कहना है कि रिटेंशन पॉलिसी में संशोधन करने के बाद लाया गया अध्यादेश राज्य की गरीब और आम जनता के साथ मजाक है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अध्यादेश में कमी है तो उसे दूर भी किया जा सकता है। असम में बारिश और बाढ़ से हालात और खराब हो गए हैं। जोरहाट में लैंडस्लाइड के कारण 2 लोगों के मौत की खबर है। उधर गुवाहाटी के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से 8 जिलों में 294 गांव के 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ज्यादातर इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से करीब 6,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने अफसरों से कहा है कि लोगों तक हर मदद तुरंत पहुँचाई जाए। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे उनके फैंस ने जोर शोर से मनाया। रांची में धोनी के घर के बाहर उनके फैंस गुलदस्ते और ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर पहुंचे। वहीं उत्तराखंड भ्रांति संघ ने भी धोनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस कार्यक्रम में धोनी के पिता पान सिंह धोनी भी शामिल हुए। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने अपनी ईद कल पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का एक स्पेशल इंटरव्यू करके मनाई। दरअसल इरफान अपनी अपकमिंग फिल्म मदारी के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे थे। इरफान ने लालू से राजनीति से जुड़ी कई बातों पर सवाल पूछे।